दोस्तों जिनको भी हिंदू माइथोलॉजी पे इंटरेस्ट है या रामायण महाभारत पढ़ना पसंद है उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा, उनके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिडिम्बासुर और भीम का युद्ध और हिडिम्बा का भीम पर इम्प्रेस हो जाना। आज हम बात करेंगे युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिम्बा से वध करने के लिए रोकना, हिडिम्बा की भीमसेन के लिए प्रार्थना और भीमसेन हिडिम्बा का मिलन और घटोत्कच का उत्पत्ति या जन्म। तो भीम ने हिडिम्बासुर को मार दिया। अब वैसंपायन जी कहते हैं जन्मेजय यानी अभिमन्यु का पोता। हिडिम्बासुर की बहन राक्षसी हिडिम्बा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सबके प्रति समादर भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। हिडिम्बा ने कहा, आर्य पुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्वक वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। तो यहाँ पे उस समय औरत खुल के बात किया करती थी, इस किताब में वही बताया जा रहा है। और ये राक्षसी थी, उस समय राक्षसी नाम का एक प्रजाति पाया जाता था, वो द्वापर युग था इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडिम्बे, राक्षस बहिन माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। मतलब भीमसेन उसको बहन को भी मारना चाहते थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध ना करो। पांडुनंदन शरीर की रक्षा को अपेक्षा अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिम हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया यह उचित है। उस राक्षसी बहन हिडिम्बा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। जन्मेजय, तदंतर हिडिम्बा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्री को इस जगत में जो कामजनित पीड़ा होती है उसे आप जानती हो। सुबह आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे उस समय संबंध को कामदेव का स्थान दिया जाता था, मतलब उसे भी सम्मान दिया जाता था, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया, वो समय आ गया है, आशा है मुझे अभीष्ट सुख प्राप्ति होगी। सुबह मैंने अपने हितैषी सुहृद संजनों सदर्भ परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीम को अपना पति चुना है। स्वयनी, यदि मैं वीरवर भीम को या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, वो मैं आपसे सत्य कहती हूँ। तो हिडिम्बा शर्त रखती है, महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन रखा जा रहा है, हो सकता है कि कुंती भीम के साथ इस राक्षसी का विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कंडीशन रख रहे हैं हिडिम्बा। तो उसके बाद युधिष्ठिर बोले, हिडिम्बे, तुम जैसा कह रही हो वो सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु मैं जैसा कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। जब भीमसेन स्नान नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले तब तुम प्रतिदिन उसके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से
चलने वाली हो, अतः दिन भर तुम इनके साथ अपनी इच्छाओं के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। रात को मतलब हमारे पास रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए टीवी सीरियल पे ऐसा नहीं दिखाया जाता, इसलिए मैं ओरिजिनल किताब पढ़ के बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा, अतः नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें पता ना चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यदि तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है, तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए, अतः नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने यह शर्त रखी। युधिष्ठिर के यूँ कहने पर कुंती ने हिडिम्बा को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वो युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वो समय चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी, नकुल सहदेव सदा उसके आगे चलते थे। वे लोग जल पानी की इच्छा से शालीसोत्र मुनि के रमणीय सरोवर में तट पर जा पहुँचे। वहाँ कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले ही शर्त रखी थी, उसे स्वीकार करके हिडिम्बा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसके वृक्ष के नीचे जाकर धरती तथा झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सबके लिए पर्णशाला तैयार करके बाद उसके अपने कुंती के लिए एक दूसरे की जगह फूटी बनाई, मतलब कुटी बनाई। तदंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो सघन उपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होकर भी केवल जल का आहार किया। तथा उसके बाद देखिए यहाँ से कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उसने नाना प्रकार की बातें करने लगी, किस प्रकार लक्षा गृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया तथा फिर राक्षस हिडिम्बा ने उन लोगों पर आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग चर्चा में विषय में थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा, युवराज, तुम्हारे लिए जैसा महाराज पांडु माननीय थे, वैसा ही भाई युधिष्ठिर भी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से अपने अपेक्षा भी अधिक गौरव के पात्र सम्मानीय हूँ। धर्मशास्त्र की दृष्टि से उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव पात्र तथा सम्मानीय हूँ, अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हित का आज्ञा का पालन करो। विकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके तो यहाँ पे बातचीत हो रही है। उसके बाद देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात भीमसेन हिडिम्बा से इस प्रकार बोली, राक्षसी, सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। तो यहाँ पे भीमसेन भी शर्त रख रहे हैं, जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति ना हो तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूँगा। तब ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके हिडिम्बा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहाँ से ऊपर आसमान में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखाओं पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहाँ बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते हैं, ऐसे सुरभ्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके सब प्रकार आभूषणों से विशोभित हो मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुँचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्ष और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पत्ति आदि के आलिंगन रमणीय सरोवर में, नदियों के दीपों में तथा जहाँ बालू का वैदिमणि के समान है, जिनके घाट तप वन जल में सुंदर पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदी में विकसित वृक्ष तथा लता बल्लरियों से विशोभित विचित्र कणों में, हिमबान पर्वतों के कुओं तथा भलीभांति गुफाओं में खिले हुए कमल सहित, मतलब इतनी सारी जगहों में परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया और
वो मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरने लगी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन के एक महान बलवान पुत्र को जन्म दिया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंख के समान थे। वो दिखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल होंठ, आंखें, दाढ़ी, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग, विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वो मायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिकड़ी टेढ़ी और ऊंची थी। यद्यपि उसका जन्म मनुष्यों से हुआ था, तथापि उसका आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वो दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन अवस्था में बालक होने पर भी वो मनुष्य में युवक सा प्रतीत होता था। वो बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियों जब गर्भ धारण करती है, तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती है। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार से रूप बदलने वाली होती है। तो देखिए, उस समय राक्षस प्रजाति किस तरह की होती थी, उसका व्याख्या किया जा रहा है। तो देखिए, उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही अपने पिता माता के चरणों को प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका यह प्रकार नामकरण किया। माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट उत्कच अर्थात केस रही थे। उसके इस कथन से उसका नाम घटोत्कच हो गया। तो इसी तरह उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था, बहुत प्रेम करता था और पांडवों को भी वो बहुत प्रिय था। वो सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदंतर हिडिम्बा पांडवों से यह कह कर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया है, आवश्यकता समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभिष्ट स्थान को चली गई वो राक्षसी हिडिम्बा। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों के यथायोग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निसंकोच होकर बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने पर भीमसेन ने कुमार से कुंती ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो। यानी कुंती घटोत्कच से कह रहे हैं, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तो घटोत्कच कुंती से कहते हैं, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाथ बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और पराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं स्वयं आपके पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। यूँ कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा में चला गया। मामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वो कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि टीवी सीरियल पे या मूवीज़ पे कुछ सच्चाई नहीं दिखाया जाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे कुछ और चैप्टर या टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।